दोस्तों अगले कुछ ही दिनों में एमसीयू के स्पाइडरमैन नो वे होम आने वाली है, जिसके लिए हम लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और नो वे होम एवेंजर एंडगेम के बाद मार्वल की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या नो वे होम में हमें टोबे मैकवॉय और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हुआ तो जो बचपन में टोबे का फैन था उसके लिए तो ये फिल्म एक चमत्कार की तरह होगी। अगर हमें वो दोनों देखने को मिलेंगे तो नो वे होम में उनका रोल क्या होगा? कहीं टोबे और एंड्रयू के आने से अपने मुरारी टॉम हॉलैंड पर से दर्शकों का फोकस तो नहीं हट जाएगा? और नो वे होम के बाद उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? ये सारी बातें आज की हम इस वीडियो में करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि नो वे होम में काफी सारे पुराने खलनायक वापसी कर रहे हैं, जैसे विलियम डेफॉय एज ए ग्रीन गॉब्लिन, एल्फ्रेड मोलिना एज ए डॉक्टर ऑक्टोपस और तो और जेमी फॉक्स एज ए इलेक्ट्रो हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आ रहा है कि टोबे और एंड्रयू फिल्म में होंगे कि नहीं, इस पर मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला है। मार्वल ने अभी तक अपने मुंह पर टेप लगा रखा है। यहाँ मार्वल ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन सोर्सेस और काफी लोग जो इस मूवी से जुड़े हुए हैं उन लोगों ने कंफर्म किया है कि नो वे होम में टोबी और एंड्रयू का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमें ट्रेलर में भी काफी जगह यह हिंट मिला है जो कंफर्म करते हैं कि मूवी में दोनों आ रहे हैं। सबसे पहले तो इसका अंदाजा तब हो जाता है जब डॉक्टर ऑक्टोपस अपने मुरारी को पकड़कर कहता है कि यू आर नॉट पीटर, यानी डॉक्टर ऑक्टोपस टॉम हॉलैंड को नहीं पहचानता है लेकिन स्पाइडरमैन को पहचानता है। इससे ये साफ हो जाता है कि वो किसी और पीटर की बात कर रहा है और हम सब जानते हैं कि वो कौन से पीटर की बात कर रहा है। ये सीधा सीधा सबूत है। इसके बाद ट्रेलर के लास्ट में जब स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजार्ड तीनों के सामने होता है, तब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन होता है जो कि टॉम हॉलैंड है। और टॉम हॉलैंड पर सैंडमैन हमला कर रहा है और इलेक्ट्रो टॉम हॉलैंड पर हमला करने के बजाय कहीं और देख रहा है, तो वहीं लिजार्ड के मुंह पर किसी ने मुक्का मारा है जिससे उसका पूरा मुंह बिगड़ जाता है। जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन है और वो लिजार्ड से काफी ज्यादा दूर है, तो लिजार्ड पर मुक्का किसने मारा? यहाँ पर हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि टोबे और एंड्रयू वहाँ पर थे, लेकिन उन्हें एडिट करके बाद में हटा दिया गया है। इसके अलावा जब टोबे और एंड्रयू के इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने हंसते हुए इस सवाल को टाल दिया। यहाँ हम यही कहेंगे कि मार्वल हम फैंस से कितना भी छिपा लें, लेकिन ये बात हम सभी फैंस को अच्छे से पता है कि इस मूवी में हमें एक साथ तीन स्पाइडरमैन देखने को मिलेंगे। एक और बात जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन फैंस सोच रहे होंगे कि अगर टोबे और एंड्रयू नो वे होम में होंगे तो अपने मुरारी पर कोई खास ध्यान नहीं देगा, क्योंकि टॉम हॉलैंड के साथ टोबे और एंड्रयू स्क्रीन शेयर करेंगे, तो कहीं मूवी का हाल अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 जैसा ना हो जाए। तो घबराइए मत, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मूवी का मेन स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड ही होने वाला है और नो वे होम में टोबे और एंड्रयू बस एक कैमियो रोल प्ले करेंगे। जब टॉम हॉलैंड विलेन की फौज को हरा नहीं पा रहा होगा तब टोबे और एंड्रयू अपने मुरारी की मदद करेंगे और उन सब की जबरदस्त कुटाई करेंगे। वैसे कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि टोबे और एंड्रयू का स्क्रीन टाइम 30 मिनट्स तक का हो सकता है, जबकि ये मूवी 2.5 घंटे के लगभग है, जिससे हम कह सकते हैं कि टॉम हॉलैंड को मूवी में अच्छा खासा टाइम मिलेगा। अब बस हम सभी को वेट है 16 दिसंबर का, जो कि बस आने ही वाली है, और इसी डेट के साथ हमारी सारी अटकलें सच्चाई में बदल जाएंगी। तब तक थोड़ा स्पॉइलर से बचकर रहिए और सीधा मूवी थिएटर में ही एंजॉय कीजिए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या नागराज स्पाइडरमैन का कॉपी है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि राज कॉमिक यूनिवर्स में कौन कौन से सुपर हीरोज हैं तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको ये वीडियो सारा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन से स्पाइडरमैन को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं।